और मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाचला माता मंदिर परिसर में अंगारों से लोग गुजरते अंगारों से गुजरते लोग नजर आए। नाचला मंदिर में घी डालकर आग की एक पट्टी तैयार की गई जिसमें पर से लोग गुजर रहे थे। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि आस्था के इस कार्यक्रम में आज तक किसी को कोई चोट नहीं लगी है। इन अंगारों की सेज से लोग माता की कृपा से इस तरह गुजरते हैं मानो वो फूलों की सेज से गुजर रहे हैं। प्रतीक दशहरा पर्व आज सूरजपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर सूरजपुर का सबसे बड़ा दशहरा पर्व सूरजपुर के अग्रसेन स्टेडियम में मनाया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मंचीय कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर श्री राम के चरित्र का वर्णन जो कलाकार है वो कर रहे हैं, वही जो जो नागरिक है गणमान्य नागरिक है, प्रेम नगर विधायक मरावी हो यहाँ पे, चाहे जिला कलेक्टर हो यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। वही जो राम जो रावण है मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है, जो मंची कार्यक्रम के बाद यहाँ पे उस पुतले को जो राम जी है वो वध करेंगे, ऐसे में जो 9 दिनों का जो तपस्या था, जो 9 दिनों की जो भक्ति थी माता की, उसके बाद ये जो माता की भक्ति के बाद जो शक्ति मिली उसके बाद आज ये मंची कार्यक्रम के माध्यम से आज रावण दहन होगा। ऐसे में जो दर्शक है उनसे भी हम सीधे जानेंगे कि क्या किस तरह का ये दशहरा पर्व था और आज के दशहरा के पर्व से दशहरा पर्व था किस तरह का बुराई पर अच्छाई की जीत, विजयदशमी का यह पर्व हम काफी धूमधाम से मनाते हैं और आज मैं यही आग्रह भी करूंगा सूरजपुर जिले वासियों से कि अपने मन की रावण नूपी रावण को मार के एक सफल जीवन पे आज विजयदशमी का पर्व मनाएं और सारी बुराइयों को यही छोड़ के जाए। किस तरह का उत्साह है? उत्साह काफी है, सूरजपुर में काफी सारे पंडाल लगे हुए हैं और बहुत अच्छा उत्साह है, पूरी पब्लिक सड़क पे है, मार्केट में है, मार्केट में भी दुकानदारों का भी अच्छा उत्साह है। देख सकते हैं ये श्रद्धालु है या दर्शक कह सकते हैं वो आए हुए मंची कार्यक्रम का यहाँ पे लुक उठा रहे हैं, उसके बाद रावण रावण दहन होगी उसकी प्रक्रिया भी होगी, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, आज रावण दहन होगा किस तरह से दशहरा पर्व मनाने जा रहे हैं। जो रावण दहन होता है ये नकारात्मक विचारों को अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रतीक दिया जाता है कि रावण दहन को देख करके अपने अंदर जो भी नकारात्मक विचार है वो सारे दूर हो जाए। लोगों के अंदर काफी उत्साह है, हम सभी लोग साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं और आप यहाँ का भीड़ देख करके समझ ही सकते हैं कितना उत्साह है लोगों के अंदर। सारे हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, सारे परिवार के लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। काफी भीड़ भाड़ है, छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये दर्शक ये बता रहे हैं कि अपने अंदर के मन के रावण को मार कर ही दशहरा पर्व को मनाने जा रहे हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी सूरजपुर।